नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में। अब देखिए, बिहार लघु उद्यमी योजना का जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट काफी सारे लोगों को आया हुआ है, अराउंड 40,000 व्यक्ति को जो है आया हुआ है। अब वो लोग वेट कर रहे हैं कि हम सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए कब और कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसका भी अप्लाई हो नहीं रहा है, तो कब से इसका आवेदन होगा। बाद बाकी जो भी बचा हुआ आदमी है, यानी कि 10,000 का अराउंड आदमी बचा हुआ है, उन लोगों को पेमेंट नहीं आया हुआ है 50,000 रुपया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो वो भी लोग परेशान है। अब देखिए, वो लोग जो परेशान है, तो उन लोगों के लिए जो है अपडेट पहले ही जारी हो चुका है। पोर्टल पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि वहां पे जिन लोगों का 50,000 रुपया नहीं आया हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत, उन लोगों को क्या करना होगा। तो उन लोगों को यही करना होगा कि लॉग इन करके जो है अपना बैंक अकाउंट को अपडेट करेंगे। अब काफी सारे लोग जो है ऑलरेडी बैंक को अपडेट कर चुके हैं, तब पर भी उन लोगों का पेमेंट नहीं आया हुआ है, तो वो लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे। बैंक अकाउंट आप अगर आप अपडेट कर दिए हैं तो थोड़ा सा वेट करेंगे, आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। कब आएगा वो भी हम आपको बता देंगे। अब बात रहा कि इनका जो है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए कब से आवेदन होगा और हमें आवेदन कैसे करना होगा। पहले बात हम आपको बताते हैं, आवेदन जो होगा इनके लिए ऑनलाइन ही आवेदन होता है। अब आवेदन जो होगा वो कब से होगा, क्योंकि अभी तो फाइनल इसका आवेदन नहीं हो रहा है, अगर होता तो पोर्टल पर अपडेट हो जाता। देखिए, पोर्टल पर भी किसी प्रकार कोई नोटिफिकेशन नहीं है और ट्विटर हैंडल पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है। अब सवाल रहा कि कब से भाई इसमें आवेदन होगा। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा अभी जो है इलेक्शन चल ही रहा है, इलेक्शन को लेकर के जो है इसको अभी मतलब काम को बंद कर दिया है। जो भी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं सारे इलेक्शन में अभी इंगेज हैं, बिजी हैं, इस वजह से जो है अभी आप लोग का आवेदन नहीं होने वाला है। अब देखिए, 4 तारीख के बाद यानी कि 4 जून के बाद ही आप लोग का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा कि कब से इसमें आवेदन होगा। वैसे जैसे कि आप लोग को हम बता दें कि 4 जून के बाद जल्द ही यानी कि इनका अपडेट आ जाएगा कि सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए कब से आवेदन होगा लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत। अब देखिए, अगर आप लोग को 50,000 रुपया मिला हुआ है तो वो आप कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं उनका आपके पास बिल होना चाहिए या फिर रिसिप्ट होना चाहिए। अभी आप लोगों के पास देखिए समय है और इस वीडियो को अगर आप देख लिए हो तो आपको ये जानकारी मिल जाएगा आज कि हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। वो कैसे हम आपको बता देते। देखिए, अगर आपको 50,000 रुपया दोस्त मिला हुआ है तो उनको आप कहाँ कहाँ पर खर्च किए हो उनका आप जो है बिल रखिएगा, उनका सबूत रखिएगा कि हम ये 50,000 रुपया इस जगह पर खर्च किए हुए हैं, तभी जाकर के जो आप सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर आप 50,000 रुपया को ऐसे ही कहीं पर खर्च कर दिए हो और जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है तो आप सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए आवेदन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप उसमें आवेदन होता नहीं है। केवल यही होता है कि जैसे कि आप पोर्टल पे आओगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद जो है वहां पर प्रथम किस्त का जो है यानी कि वहां पर आपको दिख जाएगा प्रथम किस्त का जानकारी अपडेट करें। जानकारी में यही अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, बिल अपलोड करिए, सेट का फोटो अपलोड करिए, मशीन का फोटो अपलोड करिए। तो मशीन कौन सा, क्या परचेज किए हो, नहीं किए हो, जो भी किए हो आपको उनका बिल रखना होगा। जितना का ही आप मतलब 50,000 जितना तक ही हो पाया है उतना ही कहीं बिल आपको अपलोड करना होगा वहां पर। अब ऐसा नहीं कि आप 50,000 लेकर का गुलछर्रा उड़ा दिए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आप सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए आवेदन नहीं कर पाओगे। तो ये आप क्लियर आज समझ गए हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। पहले 50,000 खर्च कर दिए हो और रसीद वगैरह का आपका जुगाड़ नहीं लगा है तो आप जुगाड़ लगा लीजिए, क्योंकि अब जो देखिए आप लोग का मतलब 15 से 20 मतलब 20 दिनों का अराउंड मान सकते हैं कि 20 दिन के बाद जो है इसमें आवेदन होने की संभावना है कि 20 दिनों 25 दिन के बाद इसमें आवेदन होना शुरू हो जाएगा। 4 जून को मतलब आपका काउंटिंग है, उसके बाद जो है 1 हफ्ता के बाद से जो है अपना फिर से वही पुराना वाला काम जो है वो शुरू हो जाएगा। और जैसे ही कोई अपडेट आता है, कोई भी सूचना आता है, तो सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। बस आप लोगों से एक अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी जा करके आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा, अदरवाइज आप जानकारी से छूट जाओगे। ऑलमोस्ट हम आपको सारा जानकारी इस वीडियो में दे ही दिए हैं और आशा करते हैं ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज बिहार लघु उद्यमी योजना से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। जहां तक दोस्त हमें पता होगा वहां तक हम आप लोग को अवश्य बतला देंगे। तो चलिए दोस्त, हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्त मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।